Good morning, students. Welcome. Today we are going to start this poem, Leisure. I am just giving you a short idea about this poem because of this lesson. We have started the offline lectures. आपको ऑफलाइन लेक्चर चालू किया गया है तो प्लीज़ कम टू द स्कूल एंड अटेंड द लेक्चर्स. तो जस्ट मैं आपको जस्ट इसका आइडिया दे रही हूँ. व्हाट इज़ लेजर? इट इज़ अ पोएम जहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि हमें आजकल हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ भरी लाइफ हो चुकी है कि हमें किसी चीज़ के लिए अपने पास वक्त नहीं है. ना ही हम आसमान को देख के वो तारों को देखेंगे या चाँद को देखेंगे. इतनी वक्त किसी के पास नहीं. इतना बिजी लाइफ हो चुका है. नोबडी इज़ बॉदर्ड ऑफ एनी पर्सन. किसी के बारे में हम सोचते नहीं हैं. हम सिर्फ अपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी से वी कीप ऑन रनिंग टू हर्न समथिंग. वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो नॉट फॉर आवर द पीपल वूम यू लव. ना ही इन पेड़ पौधों को जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया उसका उसको एन्जॉय कर पा रहे हैं हम लोग. तो ये इस पोएम का ये है जिसमें बताया जा रहा है पॉइंट. जस्ट आई एम गो थ्रूइंग दिस पोएम. व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. नो टाइम टू स्टैंड बेनीथ द बोस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउ. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हैड देयर नेस्ट्स इन ग्रास. No time to see in the broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at the beauty glance and what of it how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this is full of care we have no time to stand and stare. William Henry Davis का ये poem है जहाँ पे वो poet क्या बताना चाहते हैं कि हमें वक्त नहीं है किसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए. हमारी लाइफ क्या है? एक भागदौड़ वाली लाइफ हो चुकी है जहाँ वी आर अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्ट विथ आवर लाइफ स्टाइल्स. भागते हैं, काम करते, ड्यूटी करते, रिटर्न करते, फिर से थोड़ा, फिर देन वी गो बैक टू रिलैक्स एंड स्लीप. सोने के लिए निकल जाते हैं. यहाँ ना तो फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पास वक्त होता है, ना ही कहीं जाके आप नेचर को एंजॉय करें. जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें भी कभी हमें क्या खुशी देती है. छोटी छोटी खुशी भी हमें क्या अपने दुखों से गम से हमें दूर रखता है. तो पर हमें ये सारे वक्त हमें नहीं मिलता है क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल काफ़ी बदल चुके हैं. ना तो हमें नेचर की ब्यूटी हमें नजर दिखाई देता है, ना ही कोई स्काईज नाइट स्टार्स हमें हमको देखने की ना तो चाहत बची रहती है, ना ही हम उसको एडमायर करते. तो दैट इट इज मेंशन इन दिस पोएम. इफ यू आर एबल कम एंड कम टू द स्कूल यू विल बी गेटिंग मच मोर आइडिया इन दिस. आपको और अच्छे से डीपली पढ़ाया जा सकता है. तो यहाँ पे क्लासेस चालू किए गए ऑफलाइन. प्लीज टू कम सो दैट सामने सामने इंटरेक्ट होंगे तो हर चीज़ का मैं आपका जो भी सवाल होगा होगा आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट डीपली. कुछ चीज़ें हम फेस टू फेस आते तो ज़्यादा बेहतर होता है. आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आपकी क्वेरीज जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है. तो चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी. आई होप वी विल बी मीटिंग इन द स्कूल. बाय. सी यू इन द एंड मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.